हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्विंस बेबी मामा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ट्विंस प्रेगनेंसी के छठवें महीने में हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं, कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं और इस महीने में हमारे बेबी का कितना ग्रोथ हो जाता है, सारी बातें हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस महीने में हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव आएंगे। तो इस महीने से आपका जो पेट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे छठवां महीना चल रहा हो तो आपको देखने में ऐसा फील होगा जैसे सातवां महीना चल रहा हो, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में सिंगल प्रेगनेंसी के पीछे पेट बहुत ज्यादा ही निकलता है। इस महीने से आपके हाथों में, पैरों में, चेहरे पर भी सूजन आ सकती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन हाँ, अगर आपके सूजन बहुत ज्यादा आती है और आपके दर्द भी होता है तो आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। और इस महीने से आपके जो ब्रेस्ट की जो निप्पल के चारों ओर का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा डार्क दिखाई पड़ सकता है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये बिल्कुल बाद में अपने आप धीरे धीरे सही हो जाता है। और इस महीने में आपका जो है वजन भी काफी ज्यादा बढ़ता है, तो आप थोड़े बहुत मोटे भी हो सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि इस महीने में हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। इस महीने से आपको जो है चक्कर, कमजोरी, सिरदर्द, झंझनाहट, ये सारी चीजें महसूस हो सकती हैं। इसका रीजन ये होता है, इस महीने से हमारे जो बेबी होते हैं वो बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं, तो उनके ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा ही पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से हमारी बॉडी में कमी होने लगती है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इससे बचने के लिए प्रॉपर अपनी डाइट में कैल्शियम, आयरन, विटामिन, फाइबर और अच्छी मात्रा में पानी पिए। और अगर गर्मियां हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी पिए, आप जो है ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, आप नींबू पानी पिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। आप जो है ज्यादा से ज्यादा जूस पिए, आप फलों का सेवन करें, मतलब आप जितना भी लें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आप हेल्दी खाएं, इससे आपको जो है थोड़ी बहुत दिक्कत कम होगी। और इस महीने से जो है आपको गैस, अपच, कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा रह सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा गर्भाशय बड़ा होता है वैसे वैसे हमारे पेट पर भी दबाव पड़ने लगता है, जिस वजह से हमको खाना वगैरह आसानी से पच नहीं पाता है। आप कोशिश करें कि आप जब भी खाएं तो एकदम से इकट्ठा ना खाएं, बल्कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं, हर दो दो घंटे बाद खाएं, तो इससे क्या होगा कि आपको पचाने में भी आसानी होगी और आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, इससे आपकी कब्ज की समस्या भी काफी दूर होगी। लेकिन अगर फिर भी नहीं होती है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और जो है वो आपको मेडिसिन वगैरह देंगे तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और इस महीने से आपके जो है हाथ पैर भी काफी गर्म रह सकते हैं, क्योंकि इसका रीजन होता है हमारी जो बॉडी होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत ही तेजी से ग्रो करता है, इस वजह से हमारे जो है हाथ पैर काफी गर्म रह सकते हैं। और अगर प्रेगनेंसी गर्मी में है तो इस समय से आपको बहुत ही ज्यादा गर्मी लगना महसूस हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है इस टाइम पे, और जिस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है और हमें गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है। और इस महीने से आपको जो है नींद की भी समस्या हो सकती है, आपको नींद बहुत कम आएगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप सोने जाएं तो आप एक गिलास गुनगुना दूध जरूर पिए, इससे आपको नींद अच्छी मात्रा में आ सकती है। और इस महीने से आपको कमर दर्द, घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द बहुत ज्यादा रह सकता है और पेट के निचले हिस्से में दर्द। इसका रीजन होता है क्योंकि बेबी का वेट बढ़ता है, हमारा पेट बढ़ता है, वजन बढ़ता है, जिस वजह से हमारा पूरा प्रेशर हमारे पैरों पे पड़ता है, और बेबी का वेट बढ़ने की वजह से और ऊपर से दो दो बेबी होते हैं तो इसलिए हमारे पेट के निचले हिस्से में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है। और इस महीने से आपको उठने, बैठने, लेटने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। और इस महीने से आप एक चीज और नोटिस करेंगे, आपके प्राइवेट पार्ट में भी दर्द हो सकता है, जब आप लेटती हैं तो आप करवट लेंगी तो आपके बहुत ही ज्यादा पेन होगा। इसका ये रीजन होता है कि जैसे जैसे हमारा गर्भाशय बढ़ता है तो जिस वजह से हमारी प्राइवेट पार्ट की कुछ नसें दबना स्टार्ट हो जाती हैं और उसी वजह से हमारे पेन भी होता है, और ये डिलीवरी के बाद अपने आप सही हो जाता है। इस महीने से आपको भूख बहुत ज्यादा लग सकती है, क्योंकि इस महीने से हमारा बच्चा जो है बहुत फास्ट ग्रोथ करता है और इसलिए उसको जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको जब भी भूख लगे तो आप बिल्कुल भी इसको अवॉइड ना करें, आप कोशिश करें आपको जब भी भूख लग रही है तो आप हेल्दी से हेल्दी खाएं, आप दालें खाएं, हरी सब्जियां खाएं, दूध पिए, जूस पिए, ये आप ज्यादा से ज्यादा लें, आप अनहेल्दी चीजें कम खाएं। और इस महीने से आपको चटपटा, तीखा, नमकीन, मीठा बहुत ज्यादा खाने का मन करेगा, तो आप कोशिश करें कि कम से कम मात्रा में खाएं, क्योंकि ज्यादा जंक फूड हमारी सेहत के लिए और हमारे बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। और इस महीने से आपका बीपी भी कम या ज्यादा रह सकता है, तो आप अपना बीपी जो है समय समय पे चेक करवाते रहें। इस महीने से आपका जो गर्भाशय है वो काफी ज्यादा बढ़कर के नाभि तक आ जाता है। इस महीने से आपको खर्राटों की भी समस्या हो सकती है, आपके दांतों में ब्लड भी आ सकता है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हाँ आपको ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में आता है तो डॉक्टर को दिखाएं, अदरवाइज कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है हमारे डिलीवरी के बाद अपने आप सही हो जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।
और इस महीने से आप पेट की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जिस वजह से उसमें बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है। तो हमारे जो पेट पर है स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकती है, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में पेट दुगना बड़ा होता है सिंगल की अपेक्षा, तो इसलिए स्ट्रेच मार्क्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे भी बहुत ज्यादा हुए थे, और जो है आपके पैरों में भी स्ट्रेच मार्क्स ऊपर की साइड हो सकते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आप जितने ज्यादा दुबले होंगे आपका पेट की स्किन उतनी ही ज्यादा खींचेगी, तो उतने ही ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स होंगे, और आप जितने मतलब ठीक होंगे तो आपका जो है पेट जितना कम बढ़ेगा आपके पेट में उतने कम स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे। और आपको कोशिश ये करनी है कि इस समय आपको जो है अपने पेट पे खुजली वगैरह जो है नाखून से नहीं करनी है। इससे क्या होगा, अगर आप नाखूनों से खुजली करते हैं तो बहुत गंदे दाग पड़ जाते हैं, तो आप कोशिश करें आपकी जब भी खुजली वगैरह हो तो आप उसको हाथों से सराहने की कोशिश करें, आप उसमें नाखून बिल्कुल भी ना लगाएं। और आप खुजली से बचने के लिए आप अपने पेट पे जो है नारियल तेल, बादाम तेल जरूर लगाते रहें, या फिर कोई लोशन वगैरह लगाते रहें, इससे आपकी त्वचा जो है सूखी नहीं रहेगी, तो आपकी खुजली वगैरह भी कम होगी। और इस महीने से आपको जो है झूठे लेबर पेन भी आ सकते हैं। होता क्या है कि हमारी बॉडी जो होती है वो अपने आप को डिलीवरी के लिए तैयार कर रही होती है, तो जिस वजह से कभी कभी लेबर पेन भी आ सकते हैं, मतलब ऐसा फील होगा एकदम से बहुत तेजी से दर्द उठेगा कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद भी अपने आप शांत हो जाएगा, तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इस महीने से आपके जो है ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत दूध भी आ सकता है, तो क्योंकि हमारे बच्चे के लिए जो दूध की नलिकाएं होती हैं वो तैयार हो रही होती हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस महीने से आपके ब्रेस्ट भी काफी ज्यादा बड़े और हैवी और लटके हुए फील हो सकते हैं। इस महीने से आपके जो है खुजली वगैरह बहुत ज्यादा हो सकती है, पेट में, आपके पैरों में, आपकी बाजुओं में, किसी किसी के तो इस महीने में दाने वगैरह भी पड़ जाते हैं, मेरे बहुत ज्यादा दाने पड़ गए थे, तो आप कोशिश करें कि उनको ज्यादा से ज्यादा ना खुजलाएं। ज्यादा खुजलाते हैं तो वो बहुत गंदे लगते हैं, उनमें ब्लड आने लगता है, तो और बहुत ही गंदे स्पॉट पड़ जाते हैं, बाद में वो जल्दी नहीं जाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कम से कम खुजलाने की। और जब भी आपके खुजली मचे तो आप जो है उस जगह पे तुरंत लोशन वगैरह जरूर लगा लें, इससे आपकी जो है खुजली कम होगी। और फिर भी बहुत ज्यादा खुजली होती है तो आप अपने एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लें। इस महीने से आपके पेट पे जो है लंबी काली लाइन भी दिखना शुरू हो जाएगी, ये लाइन किसी किसी के बिल्कुल सीधी दिखाई पड़ती है, तो किसी किसी के टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। और इस महीने से आपको जो है सांस फूलने की भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। होता क्या है कि हमारा गर्भाशय धीरे धीरे बढ़ता है और वो हमारे लंग्स पे काफी ज्यादा प्रेशर डालता है, जिस वजह से हमको जो है कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको इससे बचने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह जो होती है वो आपको अपने डॉक्टर से पूछ के करते रहना है, तो इससे आपको काफी रिलीफ महसूस होगा। अभी तक आप जैसे भी सोते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब इस महीने से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा लेफ्ट साइड पे ही सोना है, मतलब आप रात में थोड़ी बहुत देर राइट साइड पे सो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब आपको ज्यादातर लेफ्ट साइड पे ही सोना है। इससे क्या होगा, इससे हमारे बेबी तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो आप कोशिश ये करें कि रात में आप बिल्कुल भी सीधे ना लेटे, और आप सीधी तरफ बिल्कुल भी ना लेटे, आप जहां तक हो सके उल्टी तरफ ही लेटे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस महीने से हमारे बेबी का कितना ग्रोथ हो जाता है, उसका कितना वजन हो जाता है। तो इस महीने से आपके जो बेबी का वजन होता है छठवें महीने के लास्ट तक आते आते लगभग 1 किलो के आसपास हो जाता है, और हमारे बेबी की जो लंबाई होती है वो लगभग 12 इंच के आसपास हो जाती है। बेबी की जो आंखें होती है वो पूरी तरह डेवलप हो जाती है, और बेबी जो है उनको खोलना और बंद करना भी स्टार्ट कर देता है। इस महीने से बेबी का जो है एक स्लीपिंग पैटर्न भी बन जाता है, और बेबी जो है थोड़ा बहुत सोना भी स्टार्ट कर देता है। इस महीने से बेबी जो है अंगूठा चूसना भी सीख लेता है, बेबी जो है बाहर की तेज आवाज को सुनना भी सीख लेता है, और उसको समझना भी स्टार्ट कर देता है। और आप कभी भी नोटिस करिएगा, जब भी बाहर बहुत तेज आवाज होती है तो इस महीने से बेबी उस पर रिएक्ट करना भी चालू कर देता है, और इस महीने से हमारा जो बेबी होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहना स्टार्ट कर देता है। और इस महीने से हमारा बेबी जो हलचल करता है, क्योंकि बड़ा हो जाता है तो जब भी वो हलचल करेगा तो आपको बहुत अच्छे से महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी, और इस महीने से बेबी हलचल बहुत ही तेजी से करता है। और इस महीने से हमारे जो बेबी में फैट होता है वो भी जमा होना स्टार्ट हो जाता है। इस महीने से हमारे बेबी की जो मसल्स होती हैं वो भी अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। इस महीने से हमारे बेबी की जो बोन्स होती है वो भी अच्छे से मजबूत हो जाती हैं। इस महीने से हमारे बेबी की जो आईब्रो भी बनना स्टार्ट हो जाती है, और इस महीने से हमारे बेबी की जो स्किन का कलर होता है वो बिल्कुल रेड होता है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब उसके अंदर जितने भी पार्ट होते हैं हम उनको बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। और इस महीने में बेबी की जो जीभ में जो टेस्ट होता है वो बेबी उसको भी समझना स्टार्ट कर देता है, मतलब आप अगर खट्टा खाती हैं तो बेबी उसको भी महसूस करता है, और आप जो है मीठा खाती हैं तो बेबी उसमें भी जो है डिफरेंट जानना सीख जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में आप जैसा खाएंगे बेबी बाद में वैसा ही पसंद करेगा, तो आप कोशिश करें हेल्दी से हेल्दी खाएं, ताकि आपका बेबी भी हेल्दी से हेल्दी खाना पसंद करे। और इस महीने में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपका बेबी जो है आपको अंगूठा चूसते हुए ज्यादातर दिखाई पड़ सकता है। इस महीने से आपके जो बेबी की स्किन होती है उसके नीचे जो ब्लड सेल्स होती है वो भी नजर आने लगती है। और अब मैं लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगी कि हमारी जो कुछ बहनें होती
रही हैं, उनका एक डाउट रहता है, उनको ये लगता है कि सिंगल बच्चे की ग्रोथ अलग तरीके से होती है, ट्विंस प्रेगनेंसी में ग्रोथ अलग तरीके से होती है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, चाहे हमारे ट्विंस बेबी हो या फिर हमारे सिंगल बेबी हो, वो दोनों उनकी जो ग्रोथ होती है वो एक ही साथ होती है। मतलब जिस महीने में सिंगल बेबी के हाथ पैर मुंह नाक सब बनता है, उसी तरीके से ट्विंस बेबी का भी वही सिस्टम रहता है। बस फर्क इतना होता है कि सिंगल प्रेगनेंसी में सिंगल बच्चा ग्रो करता है और ट्विंस प्रेगनेंसी में दो दो बच्चे एक साथ ग्रो करते हैं, बाकी कोई भी फर्क नहीं होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।